सब्सक्राइब कीजिए रोमन इंसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप कोटक 811 अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ये 2 मिनट में ओपन हो जाएगा। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो ऑनलाइन में, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं पे भी यूज कर सकते हो पेमेंट लेन देन में। तो पूरा वीडियो बताओ तो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है कोटक 811 अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट साइट आ जाएगी, ये सेविंग अकाउंट। और यहाँ पे देखो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब आप फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा भाई, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पे पूरा लिखा है, आपको कर देना है यस अगर आपके पास है तो, अगर इंडिया से हो, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी और नीचे में आधार कार्ड। तो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बताएगा, भाई ई केवाईसी के लिए हम आपसे मांग रहे हैं ये डिटेल आपके पास होना चाहिए और ये आपके खुद की होनी चाहिए जो अकाउंट ओपन कर रहा है, ठीक है। और इस पे ओटीपी भी जाएगा अकाउंट ओपनिंग के समय। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल डालनी है और आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे जो आपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन के लिए एक काम पूछा जाएगा, भाई जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल लिंक है वो एक बार यहाँ पे डाल के हमें बता दीजिए। और अगर आप कोई अदर मोबाइल से अकाउंट ओपन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे अलग से मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर दीजिए तो इनको पता चल जाएगा और यहाँ पे आपको फिर आपका एड्रेस शो होने लग जाएगा। तो नीचे में आपका एड्रेस शो हो रहा है, भाई ये आधार कार्ड में तो आपका यही एड्रेस है, तो आपको कर देना है कंटिन्यू। तो आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आप आगे आने के बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा वहाँ पे आपका ऊपर में फ़ोटो और नाम शो होने लग जाएगा जो आधार कार्ड में होगा। नीचे में आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, भाई आप काम क्या करते हो, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, और दूसरे में इनकम, और तीसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसमें मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं अदर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन हो चुके थे, जैसे कि आप क्या काम करते हो। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया था, और दूसरा ऑप्शन है जो इस पे पूछा था आपकी इनकम कितने, कम से कम आपको 2 लाख सेलेक्ट करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 करोड़ रुपये सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से आप 2 लाख रुपये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको नीचे में मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे फादर नेम मदर नेम डाल देना है और इनकी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो ये, इस पर येस करके नीचे में आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और नेक्स्ट कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपका तीसरा आ जाएगा। अभी यहाँ पूछेगा आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, आप येस भी कर सकते हो, आई डोंट नो, आप बाद में भी कर सकते हो, आई डोंट लेटर, बाद में हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, भाई आपके टैक्स वगैरह तो नहीं लगता आपके पैसे पे, तो आप यहाँ पे मतलब कि नहीं लगता ऐसा कुछ सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। नोट, भाई मेरे पे पैसा इतना है नहीं कि टैक्स लगता है, तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका तीसरा ऑप्शन ये होगा जिसमें आपको पूरी डिटेल दिखाई जाएगी, भाई आपकी इनकम इतनी है, आप एडिट कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो आप स्टूडेंट है, आप सिंगल है और आपके फादर का नेम मदर का नेम ये, आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे दिखाया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो आपको नीचे में जाने के बाद एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखो नीचे में जाने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको KYC करवाना होगा इसका, जिसमें आपका थंब लगेगा। इसके लिए आपको पूछा जाएगा, भाई आप कहाँ पे करवाना चाहोगे, जब आपको पूछा गया आप बैंक या अदर जगह पे बुलाना चाहोगे उसे, या अपने घर पे जो आपके एड्रेस है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ पे ब्रांच में भी जा सकते हो, अपने घर पे बुला सकते हो, कहीं पे भी उस एजेंट को बुला सकते हो और अपना फुल KYC करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए जो भी आपको लोकेशन अच्छी लगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा जो आपका नेट बैंकिंग में काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट योर नेट बैंकिंग पासवर्ड, तो यहाँ पे काम आएगा वो नेट बैंकिंग में। तो यहाँ पे डालने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे अभी ये पासवर्ड सेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेगा, जब आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज करेंगे तो आप उसमें कौन सा पासवर्ड लगाना चाहेंगे,
तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड डाल लेना है, जैसे कि 2-2 6 बार डाल सकते हो, 3-3, मतलब कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, मतलब ऊपर में भी वही डालना है, कन्फर्म करके कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू यहाँ पे हमने डाल दिया और कंटिन्यू कर देते हैं। जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें आपको सीआरएन नंबर के सामने सीआरएन नंबर सो होगा, आईएफएससी कोड के आगे बैंक का आईएफएससी कोड, और नीचे में आपको यूपीआई और बैलेंस आपका 0 होगा, और ऊपर में अकाउंट नंबर, आपको कुछ इस तरीके की डिटेल आएगी। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाने के बाद आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको आप कहीं पे भी ऑनलाइन यूज कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आप इसको घर पे मंगवाना चाहते हो तो इसका 199 रुपीज खर्चा आएगा और ये आपके घर तक आ जाएगा, बट इससे पहले आपको अपना फुल KYC करवाना होगा। अभी भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑफ़र बताता रहता हूँ, कोई भी ऑफ़र आता है शॉपिंग वगैरह। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।